हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के एक, तो अभी मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी डिटेल है, मैं उस पर काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ। तो बेसिकली आज मेरे आर्ट वाइज चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी आज। वैसे मैं आपको पता है मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, आजकल तो मैं दो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, बट आज मेरे आर्ट वाले चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि अभी तक मैंने एडिट नहीं किया। और मतलब बाहर आपको आवाज़ दे रही होगी, बाहर जागरण हो रहा है कहीं पर, तो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मेरे पास बैकअप तो पड़ा है चार वीडियोज़ का, बट वो मुझे एडिट करनी है कुछ, मतलब और पोर्ट्रेट भी नहीं है जो कि मैं टाइम लैप्स वीडियो अपलोड कर दूँ। कुछ ट्यूटोरियल टाइप में हैं और कुछ रिव्यू वीडियो हैं जो कि मेरे चैनल पे आएंगे जल्दी ही, तो वो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो डिस्टर्बेंस होती है, आपको बाहर आवाज़ आ रही होगी। ये तो मैं अपलोड कर दूँगा व्लॉग वाले चैनल पे, तो मैं सोचा ये वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो बस आज का यही सीन है, आपको बाहर आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आर्ट वाले चैनल के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बीच में डिस्टर्बेंस आए, क्लियर वीडियो होनी चाहिए तो अच्छा भी लगता है देखने में, बट ये तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको ऐसे बताने के लिए बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दो डिटेल ड्राइंग बना रहा हूँ काफ़ी, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से बनाई, एक तो मैं चार दिन हो गए मैं लगा हुआ हूँ उस पर, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया, लाइव आया था जब मैंने आपको दिखाया था। और एक मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको भी मुझे दो दिन हो गए, तो मैं काफ़ी डिटेल ट्राई कर रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये स्केच है जो कि मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको हाइपर रियलिस्टिक जैसा भी लग रहा होगा, काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ मैं इस पर, दो दिन हो गए मुझे, तो देख लो कुछ इस तरह का लग रहा है। एक गर्ल है, मुझे ऐसी फोटोग्राफ मिल गई थी, तो मैंने सोचा हर बार एक्टर एक्ट्रेस ही क्या बनाने, तो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने ये ड्रॉ करा। इस टाइप के मैं और भी ड्रॉ करूं या ना करूं तो कमेंट करके बताना, या फिर एक्टर एक्ट्रेस ही चाहिए आपको। सो A3 साइज़ में बना रहा हूं मैं, क्योंकि A4 साइज़ में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्क हो गए, तो अब मेरे को A3 साइज़ का भी अच्छा कलेक्शन बनाना है, तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा A4 पर ट्राई करूँगा। और ये वाला भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देख लो, इसको तो पूरे चार दिन हो गए मुझे ड्रॉ करते हुए, बट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया था और माइक्रोन्स का यूज़ किया था, उसकी भी रिव्यू वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगा, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको ड्रॉ करने में, तो आई थिंक ये कल कंप्लीट कर दूंगा मैं। ऊपर का पार्ट रहता है और थोड़ा नीचे का समुंदर वाला पार्ट रहता है, तो देखते हैं किस तरह की लगती है फाइनल ड्राइंग, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भी मैं नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ, ओनली पोर्ट्रेट्स ही नहीं, मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ। इनकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे आर्ट वाले चैनल पे, साथ में मैं इनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट होते ही इनकी टाइम लैप्स वीडियो या फिर कोई ट्यूटोरियल बना रहा होगा तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा। बाय द वे, इसकी आई का ट्यूटोरियल मैंने आज अपलोड किया था। सो गाइस, कमेंट करके बताना किस तरह की लगी आपको मेरी ये ड्राइंग, और कौन कौन से टूल्स यूज़ किए वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं सकुरा की मैकेनिकल पेंसिल्स, तो मेरे पास चार है, तीन तो 0.5 की है और एक 0.3 की है, एक में HB है, एक में 2B है और एक में 4B है, तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग हो जाती है इनसे, शेडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इनका यूज़ किया मैंने। और थोड़ी बहुत शेडिंग के लिए मैं टोम्बो की पेंसिल्स का भी यूज़ किया, ये वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, आजकल मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और शार्प मैंने किस तरह से कर रखी है, इस पर वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। और पेपर भी काफ़ी ज़्यादा रफ है, फिर भी मैंने काफ़ी स्मूथ शेडिंग की है इस पर, और फेस का टेक्स्चर बनाने की कोशिश की है, तो बताना कमेंट करके किस तरह का बना, मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह से मैंने कुछ फेस का टेक्स्चर ड्रॉ किया। अभी तो मैं आपको DSLR से दिखा रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज़ कितनी क्लियर दिख रही है, बट फोन में ऐसा नहीं दिखता जब आप टाइम लैप्स वीडियो देखते हो। सो गाइस, बस यही कुछ टूल्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें, किस तरह से यूज़ किए हैं, शेडिंग मटेरियल, तो सब पे मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आप मेरे आर्ट वाले चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ पे वीडियो मिल जाएगी। ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट है और ड्राइंग मटेरियल के नाम पे प्लेलिस्ट है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आर्ट वाले चैनल पे, आप देख सकते हैं किस तरह से। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था इस चैनल पे, अब आई थिंक आर्ट वाले चैनल पे मेरे आज कोई भी वीडियो नहीं आ पाएगी, अगर दिन में देखूँ अगर एडिट कर पाया तो डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे दिन में होता तो नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो रूम है वो बिल्कुल गली के पास में ही है, तो बहुत ज़्यादा शोर आता रहता है पूरा दिन, तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं एडिट कर पाऊंगा वीडियो, कर पाऊंगा डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा, एक सिंपल सी वीडियो है मेरे माइंड में। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर कोई भी ब्लॉग्स वगैरह कुछ बिहाइंड द सीन देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो। इस पर मैं टिप्स वगैरह देता रहता हूँ, कुछ भी नई चीज़ मैं सीखता हूँ, कुछ भी ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ भी नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, तो मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब इसकी शेडिंग की वीडियो देखते हैं।